राशि के मुताबिक जानिए आपके लिए कैसा होगा आने वाला नया साल। मिलेंगे दुख या बढ़ेंगे खुशियाँ। 2017 बस खत्म ही होने वाला है, सभी लोग नए साल का इंतजार कर रहे हैं। नया साल हम सभी के लिए कई खुशियों के साथ साथ चुनौतियाँ भी लेकर आता है। कोई आने वाले साल में नई नौकरी का इंतजार कर रहा है तो कोई चाह रहा है कि उसका प्रमोशन भी हो जाए। कोई पढ़ाई के बाद करियर को आगे बढ़ाने चाहता है तो कोई शादी करके जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद सवाल वही बना हुआ है कि क्या 2018 में ऐसा हो पाएगा या हम सिर्फ उम्मीद लगाते रह जाएंगे। आपके मन में चल रही इस उधेड़बुन को ठीक करने के लिए हम आने वाले साल का राशिफल लेकर आए हैं। तो आइए आपको बताती हूँ आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा, आपको किन चीजों से बचना है। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए साल की शुरुआत बेहतरीन तरीके से होगी। आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें जून के बाद सफलता मिलने के अवसर बन रहे हैं। केवल प्रेम संबंधों और शादी जैसे मामलों से सतर्क रहें। कोई भी खास काम के लिए जाएं तो लाल, पीला या नारंगी कलर पहने, इससे आपका कार्य जरूर सफल होगा। वृषभ राशि वाले के लिए यह साल वाहन खुशी लेकर आएगा। आप नया वाहन पर खर्च करेंगे, साथ ही अप्रैल माह में धन लाभ होने का योग है। अगर आप सिंगल हैं तो इस साल शादी होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए यह साल बहुत ही उतार चढ़ाव वाला होगा। नया कार्यों में सफलता मिलेगी लेकिन प्रेम संबंधों में निराशा हाथ लग सकती है। इस साल क्रीम और हरा कलर पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में प्रागढ़ता लेने का समय आ चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई प्रेम संबंध विवाह में बदल जाए, फिर भी आपको जोखिम वाले कामों में निवेश करने से बचना चाहिए। यह साल सिंह राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आएगा। कम पैसों में अधिक आमदनी आने की संभावना बन रही है। जो छात्र बैंकिंग सेंटर में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उन्हें इस वर्ष सफलता मिल सकती है। महिलाओं के लिए यह साल बेहतरीन साबित होगा। लाल, पीले और नारंगी रंग का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले अगर किसी पुराने प्रेम संबंध को जीवित करना चाहते हैं तो इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन किसी भी काम में पैसा निवेश करने के पहले उसकी पूरी जानकारी ले, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है, बड़े नुकसान की आकांक्षा है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष अनुकूल साबित होगा। धन मिलने की संभावना है परंतु प्रेम संबंधों में निराशा हाथ लग सकती है। कुल मिलाकर यह वर्ष ठीक ठाक साबित होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला साल बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। वो किसी भी कार्य में काम करेंगे वह उन्हें सफलता मिलेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, नौकरी वाले लोगों का प्रमोशन उच्च पद पर होगा, प्रेम संबंधों में भी प्रागढ़ता आएगी। धनु राशि, धनु राशि के लिए यह साल बहुत ही खुशियों के साथ आएगा। नया साल छात्रों के लिए अच्छा साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की उम्मीद है। धनु राशि वालों के लिए यह साल प्रेम संबंधों में सामान्य रहेगा लेकिन पेट संबंधित बीमारी होने की संभावना है, लेकिन खाने पीने पर ध्यान देने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। मकर राशि, अगर मकर राशि वाले प्रेम संबंधों में पड़ने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि यह साल मकर राशि वालों के लिए प्रेम पड़ने के लिए अच्छा नहीं है। अगर इसके साथ ही आर्थिक मामलों में भी यह साल सामान्य रहेगा। कुंभ राशि, यदि कुंभ राशि वाले व्यापारी हैं तो यह समय कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार के विस्तार का है। आप अपनी सफलता से अति खुश रहेंगे, इसी वजह से यह साल हंसी खुशी के साथ बीतेगा और इसी के साथ कुंभ राशि वाले अपने प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे। मीन राशि, मीन राशि के लिए यह साल उतार चढ़ाव में रहेगा, इसलिए मीन राशि वालों के लिए यह साल संभल कर चलने का है। मीन राशि वालों को इस साल किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें तो लाभदायक हो सकता है, और इसी के साथ टेंशन से भी बचें। यदि मीन राशि वालों के प्रेम संबंधों में कोई गलतफहमी हो तो उसे ठंडे दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें।